13वें दिन भी एनिमल का बॉक्स ऑफिस पर तूफान। रणबीर के सामने विकी कौशल की सैम बहादुर एकदम पस्त। 3 घंटे में 2 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया बॉबी देओल का एक सीन। फैंस बोले विलेन की बेस्ट एंट्री। एनिमल के मेकर्स ने कॉपी कर बनाया कुल्हाड़ी से मारकाट का सीन। लोगों ने कोरियन फिल्म से निकाला कनेक्शन। एनिमल ब्लॉकबस्टर हो चुकी है और हर तरफ लीड हीरो रणबीर कपूर से ज्यादा बॉबी देओल की चर्चा हो रही है। तभी तो एक्टर भी फैंस का बेशुमार प्यार देख फूट फूट कर रो पड़े हैं। फिल्म में बॉबी देओल का किरदार गूंगा था और इस कारण एक भी डायलॉग नहीं था। बावजूद इसके बॉबी देओल ने धमाल मचा दिया। एनिमल में उनके एंट्री सॉन्ग जमाल कुड़ू की हर तरफ चर्चा है। फैंस की तगड़ी डिमांड पर हाल ही में रिलीज किए गए जमाल कुड़ू के वीडियो को फैंस बार बार देख रहे हैं और तारीफ किए जा रहे हैं। एनिमल में बॉबी देओल की एंट्री सॉन्ग जमाल कुड़ू ने इतिहास रच दिया है। हाल ही में इस गाने के वीडियो को यूट्यूब पर रिलीज किया गया और 3 घंटे के अंदर ही इसे लाखों लोगों ने देख डाला, जो कि रिकॉर्ड है। जमाल कुड़ू को फैंस की डिमांड पर रिलीज किया गया। फैंस बॉबी देओल की तारीफ करते नहीं थक रहे। उन्होंने जमाल कुड़ू सॉन्ग को किसी बॉलीवुड फिल्म में विलेन की बेस्ट एंट्री बताया। बॉबी देओल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एनिमल में 10-15 मिनट का ये रोल उन्हें जिंदगी भर का स्टारडम दिला देगा। 3 घंटे के अंदर ही जमाल कुड़ू सॉन्ग को लगभग 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल गए। टी सीरीज ने 13 दिसंबर को अपने यूट्यूब चैनल पर जमाल कुड़ू का फुल वीडियो रिलीज किया था। 3 घंटे में 2 मिलियन बार इसे देखा गया। इस गाने को 85 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। फैंस इस गाने को विलेन की तरह अब बेस्ट एंट्री भी बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये शायद पहली बार हुआ है जब लोगों ने हीरो से ज्यादा विलेन की एंट्री को पसंद किया है। अब भले ही जमाल कुड़ू के लिरिक्स और इनका मतलब लोगों को समझ ना आ रहा हो, पर ये उनके दिलों में बस गया है। वाइफ पूरी तरह से मैच हो रही है। ये एक ईरानी गाना है जमाल कुड़ू, जिसे ईरान के खतरे ग्रुप ने बनाया था। इस गाने को पहली बार 1950 में शिराजी बैंड ने गाया था, जो कि खारजीमी गर्ल्स स्कूल का बैंड था। ये गाना इतना पॉपुलर हो गया कि इसके बाद ईरानी शादियों में भी गाया जाने लगा। जमाल कुड़ू को फिर एनिमल में म्यूजिक डायरेक्टर हर्षवर्धन रामेश्वर ने इस अंदाज में पेश किया कि 4 चांद लग गए। कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर दावा भी किया कि मूवी में कुल्हाड़ी वाली सीन कोरियन फिल्म ओल्ड बॉय से कॉपी की गई है। तो वही कुछ का कहना है कि ये सीक्वेंस मलयालम फिल्म से लिया गया है। लोगों ने मूवी नायकन का वो वीडियो भी शेयर किया और इसमें अर्जन वैली सॉन्ग भी लगा दिया, जहां हीरो के दुश्मन वैसे ही मास्क पहने नजर आ रहे हैं। इसमें भी यूजर्स ने अर्जन वैली वाला गाना बैकग्राउंड में सेट किया, जिससे वो वैसा ही फील दे रहा है जैसे एनिमल में रणबीर कपूर को देख कर आता है। इसी के साथ आपका इस गाने के बारे में क्या कहना है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वी आर रिपोर्ट #भारत।